दीप को प्रज्वलित करना है जो हवन वेदी के चारों ओर रखा हुआ है। पहले यहाँ चतुर्मुख दीप को जलाएंगे। सब दिख रहा है और आगे करो। ठीक है, सब दिख रहा है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। अब अक्षत और पुष्प जो रखा हुआ है उसको ऊपर में रखिए ना, ऊपर में हवन वेदी के ऊपर रखिए, ऊपर हाँ सेकंड पर। हाँ, अब निवेदित करते जाना है, उस पर नहीं रखना है, वो रख रही थी सही जगह पर। हाँ रखिए वहाँ पर। हाँ, अब अक्षत और पुष्प लेकर के दीप पर निवेदित करते जाना है, पांच बार करना है। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा दीजिए, फिर से लीजिए। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अरे दीप के पास रखना है। ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, पुनः ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, अंतिम बार ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। हो गया, अब भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। ओम श्वेत वर्णा समद इष्टा कौशे वसना तथा श्वेते ही विलेपन ही पुष्प ही अलंकार से भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोके गता थवा अक्ष सूत्र धरा देवी पद्मासन गता सुभा पद्मासन गता सुभा। आवाहन विनियोग जल लीजिए, उसको नीचे उतारिए, वहाँ पर जगह है। हाँ तेजोसीति धामना मासित यस्य च परमेष्ठी प्रजापति ऋषि यजुस्तिष्ठु मृगस्नौ छंदसी आजम देता गायत्री आवाहने विनियोगः। जल को पात्र में छोड़ दें, आवाहन की मुद्रा दोनों हाथ को ऊपर उठावें। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामना धृतं देव यजन्मसि आवाहयामि। हवन वेदी की ओर स्थापयामि, प्रणाम की मुद्रा ध्यायामि। अथ उपस्थानं विनियोगः, जल लीजिए। ओम उद्वयम् इति प्रस्कणव ऋषि अनुस्तुत छंदा सूर्यो देवता उदुत्यम् इति प्रस्कणव ऋषि निश्चित गायति छंदा सूर्यो देवता चित्रम इति कृष्णांगिरस ऋषि पृष्ठुप छंदा सूर्यो देवता तच्छुर इति तद्ध्यानथरम ऋषि एकाधिका ब्राह्मी पृष्ठुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। जल को पात्र में छोड़ दें, फिर से जल लीजिए। ओम गायत्री सिति विवस्वान ऋषि स्वरान महापंक्ति छंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। जल को पात्र में छोड़ दें, अब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम उद्वयम् तमसस् परिस्व पश्यंत उत्तरम देवम देवात्रा सूर्यमगर्म ज्योतिरुत्तमम। ओम तक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत पश्येम सर्दसतम जीवेम सर्दसतम सुरनायाम सर्दसतम प्रभ्रवाम सर्दसतम अदीनाह श्याम सर्दसतम भूयस्थ सर्दसतात। ओम गायत्र्यस्य एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद पत्सी नहीं पद्यसे नमस्ते तुर्याय दशताय पदाय परुरस्य सावधो मा प्रापत अथ साप विमोचनम। जल लीजिए और प्रत्येक बार जल को छोड़ते जाएंगे। ओम देवी गायत्रीपम ब्रह्म सापात विमुक्ता भव। जल छोड़िए, पुनः जल लीजिए। ओम देवी गायत्रीपम वशिष्ठ सापात विमुक्ता भव। पुनः जल लीजिए। ओम देवी गायत्रीपम विश्वामित्र सापात विमुक्ता भव। पुनः जल लीजिए। ओम देवी गायत्री त्वम सुखा सापात विमुक्ता भव। प्रार्थना। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। अथ हवन विनियोगः, जल लीजिए। ओम भोर्भुवस्व इति महाव्याधि तीनाम परमेष्ठी प्रजापति ऋषि
गायत्री उष्णे गणसु भस्थंतां से अग्निवाय सूर्यादि ताः हवने विनियोग पात्र में छोड़ देंगे अथ अग्नियस्थापनम् दूर में जो रखा है इसे ले गए यहाँ पर अग्नि स्थापन करें ओम भोर भुवः स्वः अब अग्नि को वेदी की ओर ले जाएं ओम भोर भुवः स्वः ज्योतिर्व भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निम अग्निम मन्ना यया दधे ओम अग्नये नमः आवाहयामि हवन वेदी की ओर स्थापयामि प्रणाम की मुद्रा ध्यायामि इस प्रकार से आवाहनीय अग्नि हवन वेदी में स्थापित हो चुकी है। अब घृत में डुबा करके पहले चार समिधा का आधान करें। ओम ओम गगन नाथ पार्वती कवि भावा भय कवि
अथ महामृत्युंजय मंत्र आहुति
ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव कन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव कन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवकन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्तिमामृतात् स्वाहा इदं नमः। अथ शांति मंत्राहुति ही ओम ओम प्रशांत जीवन दर्शनम स्वाहा इदं नमः। 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 अथ नवान मंत्राहुति ओम ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा जगदम्बिकाय नमः। अल्लाह पाक से सारी कृपा पाते हैं, जो कुछ कर जाएंगे अपने जो कुछ कर जाएंगे इधर जाते हैं, लोग हैं बैठ बैठ जाएंगे जल्दी करना और कर लो चलिए इधर सीधे
जो नहीं किया है छह हजार को दस लगाएंगे।
बिछावर के बाहर जाइए निकलिए और चलो चल जाना धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा नमः ॐ करय
ओम प्रशांति देव मंदर रतन स्वाहा नमो नमः।
ये वाला ऐसे देने में
ओम
ॐ प्रशांत जीवन दर्शनम् ॐ सर्वं वैपूर्णं स्वाहा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर प्रणाम मुद्रा में और प्रार्थना कर लेंगे। दाहिने कंधे को पीछे की ओर मोड़ दे अमृत
निपाती
किसी भी प्रकार से देव यज्ञ भगवान का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। अब हम लोग अपना प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आज हम तीन दिन का संग है, हम दिन आज तीन दिन का संग है। आप हम यहाँ से जाने के बाद भोजन खाती करके और सफाई के साथ 3 बजे पढ़ाने पर आपको पहुँच जाना है। अंत भला लागू करने वाला और ज्ञान यंत्र करने वाला लगा गया है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर आहुति डाली है, जिसे वहाँ पर लिखा रखा हुआ है, उसने जिसकी दर्शना की राशि 100 रुपया से अधिक होगी, वो अपना नाम पता लिख करके उसके अंदर अपने दर्शना राशि को डाल करके अपने यहाँ से उसे लेंगे। जिसकी खुदरा राशि होगी वो लिफाफा में नहीं अपना डाल लेंगे, ऐसे ही खुदरा राशि डाल देगा। लिफाफा में केवल वही नाम पता लिख करके डालेंगे जिनकी दर्शना की राशि 100 या 100 रुपया से अधिक होगी। तो देव यज्ञ का दक्षिणा और ज्ञान यज्ञ का दक्षिणा जो 7 दिन का सत्संग हुआ, दोनों यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए सरलापूर्वक दक्षिणा आप दे सकते हैं। सत्संग के समय अभी से लेकर सत्संग के समय दे सकते हैं। तो हम सभी लोग पूर्ण आहुति सत्संग में उपस्थित होते हैं। सत्संग के लिए एक साथ होगी नमो नारायण। Thank you.